नभु राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, वेद स्तुति की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। कल फिर 3 बजे से एक बार मुस्कुरा के कह लीजिए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम लोग आज महाराज श्री को दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम प्रभु आ गए और 6 बजे बोले नहीं मैं कथा तो करूंगा। महाराज जी की कितनी कृपा है और ऐसा आनंद बरस रहा है, ऐसे सुंदर श्लोकों की मधुरतम व्याख्या। और आज जो प्रभु ने दोनों का मिलन किया, राघव और माधव की पवित्रतम लीलाओं का, पूज्य श्री के चरणों में अनंत अनंत प्रणति। माया बलम दर्शयता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। हमारे बांके बिहारी, हमारे राघवेंद्र प्रभु इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का सौंदर्य तो ऐसा अलौकिक और मधुराती मधुर है कि परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान को आभूषणों से सुंदर बनना नहीं होता, बल्कि गोविंद के श्री विग्रह में आकर आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं, आभूषण भी सुंदर बन जाते हैं। ऐसे हमारे परम लाडले बांके बिहारी जी का आज प्राकट्य महोत्सव और श्री जानकी वल्लभ लाल का आज विवाह महोत्सव। और आज इतनी नई बात प्रभु ने बताई कि बांके बिहारी जी ने अपने प्राकट्य का दिवस विवाह पंचमी को ही क्यों चुना। ये विवाह पंचमी है और बिहार पंचमी भी है। क्यों? कि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। श्री बांके बिहारी और राधा रानी दोनों एक ही तो हैं, एक ही स्वरूप हैं। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। तो कदाचित कि हमारा तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहारी ने अपने प्राकट्य के लिए चुनी। बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी।